हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट तो फुली ऑन्ड है ये बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 निकाल दिया गया है 2024 के लिए ऑफिस अटेंडेंट्स की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें ये ग्रुप सी के अंतर्गत आपकी रहने वाली है। और आप इसका जो एप्लीकेशन है कहीं ना कहीं 2 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको 21 अक्टूबर तक इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मात्र 10वीं पास मांगा गया है। एप्लीकेशन की डेट आप देख सकते हैं 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर रहने वाली है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी आपका मात्र 1 महीने बाद मतलब कि 21 नवंबर को होने जा रहा है। चलिएगा आगे और भी बात कर लेते हैं। इसमें जो पोस्ट है, पोस्ट की संख्या आप देख सकते हैं, इसमें 108 नंबर वैकेंसी आपकी निकाली गई है, जो कि यहाँ पर आपको स्टेट वाइज देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में मात्र 5 नंबर वैकेंसी है, जिसमें यूआर की मात्र 2 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ओबीसी की 0 मिलेगी, मतलब ओबीसी वाले यहाँ पर जनरल के लिए फाइट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप कोई भी स्टेट में जो है इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में बैकलॉग की वैकेंसी भी है, बैकलॉग के लिए भी आप यहां पर वैकेंसी की संख्या देख सकते हैं और इसमें बहुत ही आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए और जानकारी देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है। अप्लाई करने के लिए आपको www.nabard.org इस पर जाना होगा। यहाँ पर आपको संपूर्ण नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद में आप यहाँ पर अन्य जानकारी भी देख सकते हैं। यदि आप ST SC या OBC से बिलोंग करते हैं और आपको रिजर्वेशन लेना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट की वैलिडिटी किस प्रकार से आपकी रहने वाली है। इन्होंने बताया है कि द कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC कैंडिडेट शुड बी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इशूड आफ्टर 1/4/2024, मतलब 1/4/2024 के बाद में आपका OBC कैंडिडेट का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जो EWS है इसके लिए भी बताया गया है, आप यहां पर बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। जो ऑनलाइन टेस्ट है वो आखिर कितने अंकों का आपका होगा यहाँ पर, तो मैं बता दूँ कि मात्र 2 महीने का टाइम है। इसकी तैयारी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और यहाँ पर रीजनिंग 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स आपका रहेगा, इंग्लिश रहेगी, जनरल अवेयरनेस और आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब कि यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं 30-30 अंकों के चारों सब्जेक्ट रहने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप आपके रहेंगे ये, और 120 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे और 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, मतलब आपको 1.5 घंटे में 120 क्वेश्चन को कंप्लीट करना होगा, इससे आपकी कट ऑफ क्लियर होगी। तो साथ ही साथ में यहाँ पर और देखते हैं कि द सिलेक्टेड या बैट लिस्टेड कैंडिडेट्स वुड रिक्वायर टू, यहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका होगा। जैसे ये आप क्लियर करते हैं तो इसके बाद में आपका LPT होगा और ये आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लैंग्वेज में आपका ये होने वाला है। तो जब आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो ठीक है, और यदि क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपका रिज़ल्ट भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के तहत यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद में एग्जामिनेशन की स्कीम आप देख सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बायलिंगुअली, आपका 2 लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में आपका ये टेस्ट होगा। और उसी के साथ में कट ऑफ जो है, ऑनलाइन टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और जो आंसर मार्क्स रहेंगे 1/4 मार्क्स आपका डिडक्टेड किए जाएंगे, मतलब कि आपका 1/4 मार्क्स यदि आपने
किसी क्वेश्चन को गलत किया तो काटे भी जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन की प्रोसेस आपकी रहने वाली है। आप उस स्टेट से अप्लाई कीजिए जिस स्टेट की लैंग्वेज आप रीड राइट और स्किप कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसके बाद में LPT आपका होगा। LPT उसी लैंग्वेज में होगा आपका जिस लैंग्वेज में उस स्टेट में वैकेंसी आई हुई है। तो इस तरह से आपका ये फाइनली पूरी प्रोसेस रहने वाली है। और आपका यहाँ पर स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। जब आपका LPT भी हो जाएगा, जब फाइनल मेरिट आएगी, तो वो स्टेट वाइज आपकी आप आएगी, स्टेट वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो एक अच्छी जॉब ये माने जाती है। और इसमें जो ऑनलाइन फीस है, यदि आप STSC और PW से नहीं आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं टोटल फीस 500 रुपये लगने वाली है, नहीं तो आपकी मात्र 50 रुपये में काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो सिटी नेम है और स्टेट वाइज सिटी यहाँ पर बताया गया है। जैसे मध्य प्रदेश का भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन और सागर, इन सिटियों में आपकी वैकेंसी रहेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पे स्केल है वो सबसे मेन है, वो कितना आखिर आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 10,940 पर मंथ इन द स्केल ऑफ, यहाँ पर जो बताया जा रहा है, लेवल बताए जा रहे हैं अलग अलग, इसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो ऑफिस अटेंडेंट्स की ये पोस्ट है, ग्रुप सी लेवल की है। और इसमें बताया जा रहा है कि अप्रोक्स आपका जो है प्रेजेंट टाइम में 35,000 रुपये आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली है। जो कॉल लेटर है, मतलब एडमिट कार्ड है, वो आपको SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा जैसे ही आपका जारी हो जाएगा। और आइडेंटिटी में आप ये इतने प्रकार के जो है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड दिए गए हैं, ये लगा सकते हैं। और सेंटर क्लॉज आपका टाइम रहेगा, सब कुछ उसके पहले आपको पहुंचना है। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको NABARD.ORG वेबसाइट पर जाना होगा, एप्लीकेशन अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में एप्लीकेशन फ़ीस का जो है पे करना होगा, और उसके बाद में फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर आपको स्कैन करके और अपलोड करना रहेगा। इसमें जो स्कैन की क्राइटेरिया है वो बताया गया है कि फ़ोटोग्राफ्स आपका 4.5 cm इंटू 3.5 cm रहेगा। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको जो है वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से करना होगा, और वो यहाँ पर आपका लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से ये सारी डिटेल्स आपकी रहेगी। तो इसमें पूरी डिटेल्स आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे फॉर्म भरना है, कितनी सैलरी रहेगी, है ना, किस तरह से आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, और कैसे फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, तो वो सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। जैसे स्टेट वाइज लैंग्वेज भी यहाँ पर बताई गई है, आप देख सकते हैं। और फिर इस तरह से ये आपका समाप्त होता है।